हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसका अध्याय 5 है अनुपात और समानुपात। तो आज हम अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुपात क्या होता है? इसमें जब किसी दो वस्तुओं का या दो कारणों की जब तुलना करना होता है तो हम अनुपात का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दूँ कि यहाँ पर एक सवाल है, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेंद्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है, महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटता है, जहाँ रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है, इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए। जब इस प्रकार जब तुलना करने वाले सवाल आती है तो वहाँ पर हम जो है अनुपात का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इस सवाल को, इसको सॉल्व करते हैं। धीरेन्द्र उन्नीस रन 20 गेंद में बनाता है, इसलिए इसको लिखेंगे हम 19/25। धीरेन्द्र जो है 19 रन 20 गेंद में बनाता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 19/25। और इसी प्रकार से महेंद्र 14 रन 20 गेंद में बनाता है, 20 गेंद में बनाता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 14/ लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 20 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 14/20 लिख देंगे। और इसी प्रकार से रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे रविंद्र 9 रन बनाता है 15 गेंद में, इसको लिख देंगे 9/ क्या हो जाएगा? 9/15 हो जाएगा। तो इस वर्ष दोस्तों हमें तीन संख्याएं मिल गई हैं। एक पहला है, एक धीरेन्द्र जो है 19 रन बनाता है 25 गेंद में, महेंद्र 14 रन बनाता है 20 गेंद में, और रविंद्र 9 रन बनाता है 15 गेंद में। तो हमें दिखाने कि इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये हर को समान करना पड़ेगा। तो हर को समान करने के लिए हमें यहाँ पर लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 25, 20 और 15 का यहाँ पर हमें एक लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम लेते हैं 2 25 2 10 20 और 15 यहाँ उतर आएगा, फिर 2 से जाएगा 25 2 5 10 15 उतर आएगा, अब 3 से जाएगा 3 25 5 3 5 15 5 से जाएगा 5 5 25 5 1 5 5 1 5 ये 5 से जाएगा। तो आ गया दोस्तों 3 2 6 6 2 12 12 5 60 60 5 300। तो लघुत्तम जो है आ गया इसका 300। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे धीरेन्द्र द्वारा बनाया गया कुल रन जो हो जाएगा 19/25। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो लघुत्तम जो 300 आया है तो 300 में 25 का भाग देंगे, 300 में 25 का भाग देंगे तो जाएगा 12 बार, तो 12 का गुणा यहाँ भी कर देंगे और यहाँ पर भी कर देंगे, तो 25 × 12 300 आता है, और 19 × 12 करेंगे तो है 240। ठीक है दोस्तों, अब आता है महेंद्र, महेंद्र बनाए गए कुल रन है 14/20। तो यहाँ पर 300 में 20 का भाग देंगे तो यह 15 बार जाता है, तो यहाँ पर ये 15 गुणा कर देंगे, फिर 15 गुणा कर देंगे और यह आ जाएगा 210/300। और इसी प्रकार से रविंद्र का निकाल लेंगे, तो रविंद्र का कुल रन है 9/15 और 300 में 15 का भाग देंगे तो जाता है 20 बार जाता है, तो 20 से गुणा यहाँ भी और 20 से गुणा यहाँ भी, तो 20 से 9 में करेंगे तो 180/ आता है 300। तो इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि धीरेन्द्र जो है वह इसका लघुत्तम 300 निकला है, तो 300 में 240 रन बनाया है, महेंद्र 300 में 210 रन और ये 300 में 180 रन। तो इनमें से सबसे अधिक रन किसने बनाए, सबसे अधिक रन जो है इसमें से किसने बनाए, तो
हर तो समान है, जिसका जिसका अंश बड़ा होगा वो ज्यादा रन बनाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरेन्द्र का रन बड़ा है, क्योंकि तो यहाँ पर 210 छोटा है, 100 से छोटा, 240 बड़ा है, तो धीरेन्द्र जो है सबसे ज्यादा रन बनाएगा। तो यहाँ पर धीरेन्द्र जो है आंसर है, या आप लिख देंगे उत्तर, धीरेन्द्र ने सबसे ज्यादा रन बनाया, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसका तीसरा जो सवाल है उसको देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी पर खारा समुद्री पानी, पृथ्वी पर खारा समुद्री पानी तकरीबन 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है, और साफ पानी तकरीबन 1,386 मिलियन घन किलोमीटर है। बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है? पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत पानी है और कितना प्रतिशत पानी खारा है? तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें तीन सवाल है। पहला तो है बताइए कि पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है, ये पहला सवाल है, ये पहला है। दूसरा है पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत पानी है, और तीसरा है कितना प्रतिशत पानी खारा है। ठीक है, यहाँ पर है पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है, ये साफ पानी है, ठीक है, साफ हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है, कुल कितना प्रतिशत पानी खा रहा है। देखो इसको कैसे हल करेंगे, पृथ्वी पर खारा पानी ये कितना है, 38,214 मिलियन घन किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी पर खारा पानी जो है वो है 38,214 मिलियन घन किलोमीटर, और साफ पानी पृथ्वी पर जो है साफ पानी कितना है, 1,386 मिलियन घन मीटर। ठीक है दोस्तों, ये भी घन, सॉरी घन जो है किलोमीटर है। ठीक है, तो दो चीज हमें दिया गया है। तो पहला सवाल ये है बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है, ये साफ पानी ये खारा पानी किस अनुपात में है। तो यहाँ लिख देंगे साफ पानी और खारा पानी का अनुपात, जब भी किसी क्वेश्चन में अनुपात पूछा जाता है, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 1,386 बटा हो जाएगा 38,216। ठीक है, जहाँ पर भी हमें अनुपात पूछा जाता है तो अनुपात में हम जो है भाग करते हैं, तो ये साफ पानी का है, तो ये क्या है, ये खारा पानी का है, और इसका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसका भाग देंगे तो आ जाएगा, ये आएगा 7/193, 193, ये 7/193 आएगा, मतलब 7:1,9,3, ये इसका पहला आंसर है। आप इसको भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है, ये इसका पहला आंसर है कि पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी का जो अनुपात है वो है 7:193। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इनमें से ये 7 जो है, ये वाला 7 जो है, ये है आपका साफ पानी का, साफ पानी का, और ये 193 जो है ये है आपका खारा पानी का है, खारा पानी का, और ये इन दोनों का अनुपात है। तो कुल पानी कितना हो जाएगा, साफ पानी और खारा पानी, तो साफ तथा खारा कुल पानी कितना हो जाएगा, तो दोनों का अनुपात है, अगर कुल पानी निकाल लेंगे तो 7/193 मतलब कि 200। ठीक है दोस्तों, 200 के अनुपात में हो जाएगा, ये 7 के अनुपात में साफ पानी और 193 के अनुपात में खारा पानी, तो कुल पानी हो जाएगा साफ और खारा को मिलाएंगे तो हो जाएगा 200 के अनुपात में हो जाएगा। अब इस 200 के अनुपात में हमें क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत पानी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कुल पानी निकाला है,
यहाँ पर पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है। ठीक है, तो पृथ्वी पर कुल साफ पानी, पृथ्वी पर कुल साफ पानी, अब हमें क्या करना है, इसका प्रतिशत निकालना है, कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है, तो हमें इसके लिए प्रतिशत निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि साफ पानी 7 है, तो 7 लिख देंगे, और कुल पानी 200 है, तो 200 लिख देंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100 दुनी 200 कट जाएगा और 7/2 आएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 3.5%, या पर सेकंड आंसर, पृथ्वी पर 3.5% क्या है, साफ पानी है। ठीक है दोस्तों, अब आता है इसका तीसरा है, कुल कितना प्रतिशत पानी खारा है, तो पृथ्वी पर कुल खारा पानी, कुल खारा पानी जगह खारा पानी 193 लिखा हुआ है, तो 193 लिख देंगे, यहाँ पर कुल खारा पानी है, तो कुल खारा पानी कितना है, कुल पानी कितना है, 200, 200 लिख देंगे, और प्रतिशत के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 193/2 हो जाएगा, और 193/2 का मतलब होता है 96.5%, 96 क्या हो जाएगा, 5%, ये इसका थर्ड आंसर है। तो ये पृथ्वी पर कुल खारा पानी निकल गया, ये पृथ्वी पर कुल साफ पानी निकल गया, और ये पृथ्वी पर खारा पानी साफ पानी का अनुपात निकल गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका जो है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, और चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन है, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है, यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। देखते हैं दोस्तों इस सवाल को, गायत्री जो है खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है, और उसी फसल को महेश 9 दिन में काट लेता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको, यहाँ पर लिखते हैं गायत्री बारह दिन में काटती है एक फसल। ठीक है दोस्तों, गायत्री 12 दिन में एक फसल काटती है, तो एक दिन में काटेगी 1/12, 1/12 फसल। ठीक है, 12 दिन में जब एक फसल काटती है, तो एक दिन में काटेगी 1/12 फसल। उसी प्रकार से हम महेश को देखते हैं, महेश 12 दिन में, सॉरी 9 दिन में, महेश 9 दिन में काटता है एक फसल, उसी प्रकार से एक दिन में काटेगा 1/9 फसल। ये हम एक दिन का निकाल लिए हैं, ठीक है, एक दिन का निकाल लिए हैं दोनों का, तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे, दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। तो दोनों मिलकर बोला है, तो इन दोनों क्या करेंगे, हमको जोड़ना है, दोनों मिलकर फसल काटेंगे एक दिन में, एक दिन में। ठीक है, एक दिन का ये भी एक दिन का, तो दोनों मिलकर भी एक दिन बनेगा, तो 1/12 धन 1/ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/12, 1/9, तो 12 और 9 का जो लघुत्तम आता है वो आता है 36, और 12 से 36 लेने कम 3, 9 से 36 4 कम 4, तो 7/ होता है यहाँ पर, हो जाएगा 36। तो जो 7/36 हो गया है, वो दोनों मिलकर फसल काटेंगे एक दिन का है, दोनों मिलकर फसल काटेंगे वो एक दिन के लिए है, तो कितने दिन में काट लेंगे, यहाँ पर एक दिन का निकला है, तो कितने दिन में काट लेंगे, तो जैसे उसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 दिन में एक फसल काटते थे, तो एक दिन में इतना काटेंगे, तो जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, तो जितना भी दिन है कुल दिनों का निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये जो निकला ये एक दिन का है, तो ये एक दिन में काटते थे 1/12, एक दिन में काटते थे 1/9। ठीक है, तो एक दिन में 1/12 काटते थे, तो 12 दिनों में कितना काटेंगे, और ये 9 दिनों में कितना काटेंगे, तो इसको भी जस्ट उल्टा करना पड़ेगा, एक दिन में इतना काटते हैं तो इसको उल्टा कर देंगे, तो कुल दिन निकल आएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी 1/12 को 12 करते हैं, तो 12 दिन का निकल आता है,
1/9 को उल्टा करते हैं तो 9 दिन का निकल आता है, उसी प्रकार से 1/36/7 को उल्टा कर देंगे तो कुल दिनों का निकल आएगा। ठीक है, एक दिन में है, तब फसल काटने का कुल दिन जो हो जाएगा 36/7 कर देंगे, इसका जब आपस में भाग देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 5 सही 1/7 दिन, ये आपका। तो इस प्रकार से 5 सही 1/7 दिन में जो है गायत्री और महेश मिलकर के फसल को काटते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, किसी काम को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 दिन व 25 दिन में पूरा करते हैं। किसी काम को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 दिन व 25 दिन में पूरा करते हैं। बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अरुण 20 दिन में करता है, अश्वनी 25 दिन में करता है किसी काम को, तो बताना है कि अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए इसको हल करते हैं। अरुण की कार्य क्षमता वैसे निकालें दोस्तों, एक दिन में अरुण की कार्य क्षमता जो है, अरुण जो कार्य करता है वो 20 दिन में एक कार्य, अरुण की कार्य क्षमता जो है 20 दिन में एक कार्य है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा दोस्तों, एक दिन में हो जाएगा इसका 1/20 कार्य। ठीक है, अरुण की कार्य क्षमता, अरुण 20 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/20 काम करेगा। उसी प्रकार से अश्विनी अश्विनी की कार्य क्षमता 25 दिन में एक कार्य। ठीक है दोस्तों, 25 दिन में एक कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/25 कार्य करेगा। ये इन दोनों का एक दिन का कार्य निकल चुका है, अश्वनी का भी अरुण का भी एक दिन का कार्य निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से वे अब हम इसका निकालेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा काम कौन करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये अरुण का जो कार्य है एक दिन में वो निकाल चुके हैं, और एक दिन में आपका अश्वनी का कार्य है उसको भी निकाल चुके हैं। अब हम निकालना है कि अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अरुण की कार्य क्षमता निकालने के लिए हमको अरुण के कार्य में अश्वनी कार्य को घटाना पड़ेगा, तब अरुण की कार्य क्षमता हमें निकल आएगी। ठीक है, तब अरुण की कार्य क्षमता एक दिन में निकालना है तो हमको घटाना पड़ेगा, इसे कार्य क्षमता अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है उसको निकालना है, तो हमें पहले इसका मान निकालना पड़ेगा 1/25। ठीक है, तो 25 और 20 का लघुत्तम दोस्तों आता है 100 आता है। ठीक है, और आता है 20 5 105 5 ऋण आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 1/100। ठीक है, तो ये एक दिन का है, ये अरुण की कार्य क्षमता जो है ये एक दिन का कार्य क्षमता है। ठीक है, एक दिन में अरुण एक दिन में 1/100 कार्य करता है, लेकिन हमको इसको प्रतिशत में निकालना है। एक दिन में 1/100 कार्य अश्विनी से ज्यादा करता है, एक दिन में 1/100 कार्य अश्विनी से ज्यादा करता है, 1/100 अधिक कार्य एक दिन में कौन करता है इसको, अरुण करता है। अरुण 1/100 कार्य अधिक कार्य करता है एक दिन में। ठीक है, लेकिन हमको प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हमको करना है अरुण का कार्य प्रतिशत में हो जाएगा 1/100, और किससे तुलना कर रहे हैं, अश्विनी के कार्य से तुलना कर रहे हैं। किस कार्य का, अरुण के कार्य का, अरुण के कार्य का अश्विनी कार्य से तुलना कर रहे हैं, तो जिसका तुलना करते हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो अभी अरुण के कार्य का तुलना कर रहे हैं तो एक दिन का कार्य है अरुण का 1/100, तो इसको ऊपर रख दिए, और किससे तुलना कर रहे हैं अश्विनी से, तो अश्विनी का एक दिन कार्य 1/25 है, 1/25 कर दिए, और प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर 100 का क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100 का यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इस प्रकार से आ जाता है यहाँ पर 1/100 × 100 बटा हो जाएगा 25, सॉरी 1/100 × 100
बटा एक बटा क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इस पर दोस्तों जो 1/100 जो आया है, यह अरुण का एक 1/100 अधिक कार्य है एक दिन में। अरुण 1/100 अधिक कार्य करता है एक दिन में करता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमको प्रतिशत में चाहिए, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम तुलना करेंगे। तो किसका तुलना कर रहे हैं, अरुण के कार्य का तुलना कर रहे हैं किसके कार्य से, अश्विनी के कार्य से। तो अरुण का कार्य 1/100 जिसकी तुलना करते हैं वो ऊपर रहता है, और जिससे तुलना करते हैं वो नीचे रहता है। तो अरुण के एक दिन का कार्य आ गया 1/100, और अश्विनी के एक दिन का कार्य आ गया 1/25। और प्रतिशत निकालते हैं तो हम 100 को क्या करते हैं, हमको गुणा करना होता है। तो इस प्रकार से 1/100 गुणे 100/1/25 कर देंगे, 25 ऊपर जाएगा, 25 25, 100 100 कटेगा, 25% आ गया। तो इस प्रकार से अरुण अश्विनी से 25% क्या करता है, अधिक कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, 16 दिनों में पूरा करते हैं मिलकर के, और संजय उस काम को अकेले 24 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि शिवा उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है दोस्तों। इसको हल करते हैं। संजय और शिवा, संजय और शिवा द्वारा सोलह दिन में किया गया एक कार्य, ठीक है। संजय शिवा द्वारा 16 दिन में किया गया एक कार्य, 16 दिन में क्या करते हैं, तब एक दिन में, कितना कार्य करेंगे, 1/16 कार्य, ठीक है। संजय शिवा दोनों मिल करके 16 दिन में एक कार्य करते हैं, तो एक दिन में करेंगे 1/16 कार्य, ठीक है। अब उसी कार्य को संजय जो है अकेले 24 दिन में करता है। अब संजय अकेले कर रहा है, संजय 24 दिन में एक कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में एक कार्य करेगा 1/24 कार्य। ये संजय का एक दिन का है, और ये दोनों मिलकर के एक दिन का कर रहे हैं। तो क्या पूछा है बताइए, शिवा उस कार्य को कितने दिन में करेगा, शिवा उस कार्य को कितने दिन करेगा। तो हम मानेंगे, माना शिवा उस कार्य को एक दिन में करेगा, माना शिवा उस कार्य को कितने दिन में करेगा, एक दिन में करेगा। तो इसको हम शिवा के कार्य को एक्स मान लिए हैं। अब देखते हैं कि इस प्रकार, एक दिन में दोनों का कुल कार्य, क्या हो जाएगा, शिवा का कार्य, संजय का कार्य और कुल कार्य, ठीक है। तो शिवा कार्य, शिवा संजय का कार्य हो जाएगा 1/24, और शिवा कार्य को हम एक्स मान लिए, धन एक्स बराबर 1/16 कुल कार्य। तो ये शिवा का कार्य हो गया, ये संजय का कार्य हो गया, या कुल कार्य होगा। तो शिवा कार्य को निकालने के लिए एक्स का मान को निकालना पड़ेगा, तो एक्स बराबर 1/16 एंड 1/ क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 16 और 24 का लघुत्तम हो जाता है 48, और 16 3 48 3 1 3, 24 3 48, तो 1 2, तो 1/ हो गया 48। तो एक्स एक्स का मान आ गया 1/ हो गया 48। तो यह जो है शिवा द्वारा, एक दिन में किया गया कार्य है, ठीक है। शिवा द्वारा क्या है, एक दिन में, शिवा द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है दोस्तों। तो हमें कुल दिन में किए गए कार्य निकालना, वो कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। तो एक दिन में कार्य इतना है, ठीक है। तो इसको उल्टा कर देंगे, तो किया गया कार्य, 1/48 है, तो उसको उल्टा कर देंगे तो 48 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 48 दिन। ये उसी प्रकार से दोस्तों जैसे कि है, एक दिन में 1/16 कार्य करते हैं, उसको उल्टा कर देंगे तो 16 दिन का निकल आएगा। एक दिन में 1/24 कार्य किया, उल्टा कर देंगे तो 24 दिन का निकल आता है। उसी प्रकार से 1/48 से एक दिन का है, उसको उल्टा कर देंगे तो कुल 48 दिन का कार्य जो है वो निकल आएगा, किसका, शिवा का, ठीक है, शिवा का कार्य। और वही हमको शिवा का कार्य ही उसमें निकालना है, तो 48 इसका आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका
अनुपात वाला जो है पहला प्रश्नावली ये यहाँ समाप्त होता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। और इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग इसको घर में समझिए, और नहीं समझ में आता है तो गूगल क्लासरूम में आप पूछिए, इसको बताया जाएगा। अब इसके आगे का प्रश्नावली अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।